तो गाइज़ एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज आप देखेंगे कि एक ड्राइवर साहब जो है ये रॉन्ग साइड चल रहे हैं, और रॉन्ग साइड चलने का क्या परिणाम होता है, क्या नतीजा होता है, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और रॉन्ग साइड चलने से क्या होता है, क्या नुकसान है, वो अभी हम आपको सब लाइव दिखाएंगे और प्रूफ के साथ में साबित कर देंगे कि एक्सीडेंट जो है रॉन्ग साइड चलने से क्यों होते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन ड्राइवर साहब की रफ्तार जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों होता क्या है कि जब हमें रॉन्ग साइड चल रहे हैं, या मान लीजिए धोखे से या गलती से अगर हम रॉन्ग साइड आ गए हैं, तो हमें अपनी गाड़ी की रफ़्तार जो वो कम रखनी है ताकि आगे कोई भी गाड़ी के साथ हमें हादसा ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी कट अगर हमें दिखाई देता है दूर से, तो हम अपनी गाड़ी को आराम से स्लो कर लें। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक कट सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ये वो कट आ गया है, लेकिन ड्राइवर साहब की रफ़्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो गाड़ी को स्लो नहीं कर पाए और आगे निकल गए। चाहते तो यहाँ से वो अपनी गाड़ी को घुमा सकते थे और अपनी लाइन में आ सकते थे। अब मैं दिखाता हूँ रॉन्ग साइड चलने से एक्सीडेंट आखिर कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रक चल रहा है और मैं इसके बिल्कुल पीछे चल रहा हूँ, देखिए इस तरीके से बिल्कुल पीछे चल रहा हूँ। और हमें मालूम है कि हम तो अपनी लाइन में चल रहे हैं, फोर लाइन रोड है, आगे से कोई गाड़ी आने का सवाल ही नहीं उठता। और हम क्या करते हैं, एकदम से ओवरटेक करने के लिए अपनी गाड़ी को कुछ इस तरीके से डालते हैं, देखिए इस तरीके से डालते हैं। और क्या होता है कि सामने से इन जैसे सरफिरे ड्राइवर साहब आ जाते हैं और क्या होता है कि हादसे का शिकार जो है हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से गाड़ी को डालते हैं। बहुत से ड्राइवर ऐसा करते हैं कि एकदम से अपनी गाड़ी को जो है बाएं या दाएं से निकालने की कोशिश करते हैं कि उन्हें मालूम है आगे से कोई आएगा नहीं, क्योंकि फोर लाइन रोड है और पता चला आगे से ये गाड़ी रॉन्ग साइड चलती आ रही है और हादसे का जो है वो हो जाता है। तो देखिए रॉन्ग साइड ये गाड़ी जा रही है, अभी जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, कोई गाड़ी अगर सामने से इसी तरीके से ओवरटेक करती है और अचानक से ये DCM जो है सामने आ जाती है, तो हादसा तो होना ही होना है। देखिए कई ट्रक आ रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरे को ये चाहे तो ओवरटेक भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई जो है संभाल के चल रहा है, क्योंकि रोड का भी काम जो है बराबर यहाँ पे चल रहा है। और इस वजह से हर कोई जो है गाड़ी को अपनी बड़ी कायदे से चला रहा है। अगर यहाँ से जिस तरीके से ये स्पीड से जा रहे हैं, ऐसे ही कोई दूसरा भी सामने से स्पीड से आए और गाड़ी को ओवरटेक करे और सामने से ये DCM आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। अब अभी आप देखेंगे कि ये गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ पर रोड जो है ये दोनों रोडें आपस में मिल जाएंगी। और आपने देखा कि कट भी था पीछे, लेकिन फिर भी ड्राइवर साहब ने अपनी गाड़ी को क्या साइड में नहीं लिया। तो देखिए ये आ गया, यहाँ पर ये रोड जो है मिल गया करके। तो जब भी कोई रॉन्ग साइड चलता है और गाड़ी को स्पीड से चलाता है, तो उसके साथ कुछ इस तरीके का सीन हो जाता है। ये देखिए कई सीन ऐसे हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।